लगभग 2 दिन पहले हुई 2 मोटरसाइकिल चोरी में 1 बरामद और 1 की तलाश जारी। 2 दिन पहले हुई 2 मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 1 मोटरसाइकिल तो मिल गई, मगर 1 मोटरसाइकिल ना मिलने से कर्नलगंज पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि थाना कर्नलगंज अंतर्गत आरव चौधरी गाड़ी उनके घर के नीचे से चोरी हो गई है, जिस गाड़ी का नंबर UP78FX4505 है। ये गाड़ी 22 मार्च 2021 को चोरी हुई है, जिसको CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ये शातिर चोर किस प्रकार से बिल्कुल आसानी से गाड़ी का लॉक तोड़ता है और उसके बाद गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कर्नलगंज पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ लेगी। हमारे क्षेत्र से, थाना कर्नलगंज क्षेत्र से 2 गाड़ी की चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से 1 गाड़ी बरामद होकर के उनको वापस मिल गई, वो भूलवश कहीं खड़ी कर दिए थे। दूसरी गाड़ी का अभियोग दर्ज कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जो अपराधी जिन्होंने इस कृत्य को किया है उसकी जानकारी भी की जा रही है, CCTV से फुटेज भी मिल गया है। करीब करीब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द हम इसकी बरामदगी और वैधानिक कार्रवाई भी पूरी कर लेंगे। अच्छा, ये किस क्षेत्र से, मतलब थाना कर्नलगंज क्षेत्र ने, और किस जगह पे? ईदगाह, दोनों ईदगाह से ही गायब हुई। हाँ। अच्छा, जो आदमी है वो उसका कोई ईदगाह से हुई है, एक जो है चुन्नीगंज से। तो आदमी का आइडिया लग गया क्यों, कोई अपराधी? हम लोगों ने CCTV फुटेज निकाल लिया है, कुछ आइडियाज हम लोगों को मिल गए हैं, इस पे कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से अजय पत्रकार के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।